नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत जरूरी सूचना आप सभी को देनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे सारे अभ्यर्थी के लिए जो एपीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उन सबके लिए बहुत जरूरी जो नियमावली में संशोधन है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी ये परीक्षा है कहीं ना कहीं स्किल टेस्ट पे डिपेंडेंट है, स्टेनो पे, और स्टेनो ही इस परीक्षा की सबसे ज़्यादा टफ है। ये मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्यों टफ है, क्योंकि आपने थंबनेल देख लिया होगा स्टेनो में कितने परसेंट एरर अलाउड हैं। मैं एक शब्दों में इसका आपको उत्तर दूं तो 0%, मतलब कि 0 टॉलर हो जाओगे। और ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। दूसरी बात, इसमें जो आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है आप लोग ध्यान नहीं देते हो, माइनस मार्किंग इसमें बात की गई है, माइनस मार्किंग 1/3 की माइनस मार्किंग है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं कम से कम कितना लाना होगा, वरना सब हो जाएंगे फेल। ये एक जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क दिया है उसकी जिक्र किया गया है कि आपको मिनिमम इतना परसेंटेज लाना होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और अगर आप एपीएस की तैयारी कर रहे हो तो परीक्षा प्लस ने तमाम तैयारियां इसके लिए कर रखी हैं और बहुत बेहतरीन कोर्स भी इसके लिए चल रहा है, परीक्षा प्लस ऐप से ले सकते हो। हालांकि मैं इसके बारे में आपको बता दूं तो ये आप देखोगे कि हालांकि ये तो सिलेबस है, जो मेन चीज है वो मैं आपको दिखा दूं कि 2013 का नोटिफिकेशन जो आया था उसमें क्या कहा गया था और क्यों जो ये वैकेंसी गई थी, क्यों कोर्ट में गई थी, क्यों रद्द हुई थी, सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। 2013 के नोटिफिकेशन में अगर ये आपको क्लियर दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दे रहा हूं ताकि आपको ये विजिबिलिटी क्लियर हो जाए, और उसमें ये बोला गया था कि जो आपका स्टेनो का 80 वर्ड पर मिनट तो मांगा गया है, लेकिन इफ द एरर्स ऑफ कैंडिडेट इज मोर देन 5%, मतलब उन्होंने सबसे पहले बोला था कि यहां पे 5% का एरर क्या किया गया है, अलाउ किया गया है। इफ द एरर ऑफ कैंडिडेट इज मोर देन 5% देन He will be treated ineligible for appointment, but commission may relax. क्या बोला था? Commission may relax the error up to 3%. मतलब 5% का relaxation दिया गया था 2013 के केस में, notification में दिया गया था और ये बोला गया था कि 3% का relaxation दिया जा सकता है, किसकी तरफ से? Commission की तरफ से, आयोग की तरफ से। और उस समय केस भी यही हुआ था कि जो बच्चे नहीं भी पास हुए थे उनको 8-8% का रिलैक्सेशन देके उन्हें क्या कराया गया था, पास कराया गया था। भाई भतीजा बात चला था जो 2013 की वैकेंसी में था। हालांकि इन्होंने नोटिफिकेशन में तो ये मेंशन कर दिया था, लेकिन जो उस समय की नियमावली थी वो नियमावली में, 2010 की नियमावली में ये कहीं जिक्र नहीं किया गया था कि इसमें एरर अलाउड है, मतलब कि 0% एरर अलाउड था नियमावली के हिसाब से, जो अपर निजी सचिव की सेवा नियमावली होती है। इसी कारण से इस पर याचिका दायर हुई थी और क्या गया था, ये वैकेंसी रद्द कर दी गई थी। बाद में 2021 में इसका एक नया संशोधन आया था और 2021 में जो नोटिफिकेशन आया दोबारा से उन्हीं बच्चों के लिए आया था जो बच्चों ने 2013 वाले में अप्लाई किया था। मैं आपको बता दूं कि उस समय जो कंपटीशन का लेवल था बहुत कम था, 2013 में मात्र 4000 बच्चों ने आवेदन किया था, जिसमें से फाइनली कंप्यूटर स्किल के लिए, कंप्यूटर प्रैक्टिकल के लिए 1000 बच्चे लगभग सेलेक्ट हुए थे। अब आप वहां पे समझ सकते हो कि कॉम्पिटिशन लेवल आज क्या है। आज अगर वैकेंसी को देखा जाए तो लगभग हर संस्था ये बताने में तुली हुई है कि नहीं भाई आप आओ, हम तैयारी आपकी करवा देंगे, बहुत बेहतरीन, हम आपको अपर निजी सचिव बनवा देंगे। और जो मैं जो बातें बोलता हूँ बहुत ही कैंडिड और बहुत ही जेन्युइन तरीके से बोलता हूँ, ये बात आपको भी समझ में आ रही होगी, हर संस्थाओं का यही है। और ऐसे ऐसे करके देखिएगा, जो एक्सपेक्टेशन 50-60 हज़ार की एक्सपेक्टेशन थी फॉर्म भरने की, देखिएगा इसमें 1.5-2 लाख फॉर्म पड़ जाएंगे बहुत आराम से स्टेनो की वैकेंसी में, और होना भी चाहिए। खैर ये अलग मुद्दा है, इस पर जिक्र नहीं कर सकता मैं। दूसरी बात है प्लान, ये जो 2021 में नया संशोधन आया था इसमें इन्होंने पूरी लाइन ही गायब कर दी कि 5% एरर अलाउड है या 3% एक्स्ट्रा, क्योंकि नियमावली में नहीं था, तो ये फिर से क्या किए, पूरे नोटिफिकेशन से ये लाइन गायब कर दिए। और अगर आप 2023 का नोटिफिकेशन देखोगे तो इनमें भी कहीं पे भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि एरर अलाउड है या नहीं है। तो जो 2021 में आया था वो यही बोला गया था उसमें कि अब जो नया विज्ञापन जारी किया गया है इसमें एनो एक कठिन परीक्षा होती है, 80 की स्पीड लाना मुश्किल होता है, इस बात को समझिएगा। लेकिन अगर आपका डेडिकेशन है, अगर आप उस पर अच्छी प्रैक्टिस कर रखे हो, आपकी स्पीड अच्छी आती रही है, बहुत सारे इसमें वर्किंग प्रोफाइल वाले हैं जो ऑलरेडी स्टेनो की जॉब कर रहे हैं, उनके लिए तो ये कहीं ना कहीं आसान पड़ता ही है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं स्किल टेस्ट की वजह से ये फायदेमंद भी हो सकता है, जो स्टेनो वाले हैं जिनको आती है, जिसे सीखने का प्रयास कर रहे हैं, या दोनों के लिए ये बातें कर रहा हूँ। अच्छा, एरर की बात करें तो जैसे यूपी पुलिस जो है वो लगभग 15% का एरर अलाउ करता है, ऐसे अगर हम एसएससी की बात करें तो 5-7% का एरर एसएससी भी अलाउ करता है, तो एटलीस्ट इन्हें भी एरर अलाउ करना चाहिए, नियमावली में संशोधन होना चाहिए, बट नहीं है तो कोई बात नहीं। 2023 की जो संशोधित नियमावली आई है उसमें भी जो शैक्षिक अर्हता है उस पर बात किया गया है, जो वेतनमान है उस पर बात किया गया है, समकक्षता पर बात किया गया है,
किंतु कहीं भी इस पे एरर पे बात नहीं किया गया है। इसका मतलब साफ है कि आप में 0% थोड़ा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। माइनस मार्किंग का प्रूफ ये है कि अगर आप पॉइंट नंबर 18 देखोगे नोटिफिकेशन में, तो उसमें दिया हुआ है नेगेटिव मार्किंग 1/3 का होगा, 0.33 का दंडित किया जाएगा। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने एक दूसरे पॉइंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो कि ये जो 19वें पॉइंट में किया गया है कि मिनिमम आपको पास होने के लिए 40% अंक लाना होगा, मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड जो है वो 40% रखा गया। ऐसे बहुत सारी परीक्षाएं लोक सेवा आयोग की देखी गई हैं जहां पे बच्चा 40% से कम अंक लाता है फिर भी क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया था और वो भर्ती कोर्ट में भी चले गए। यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है, ENM हो गया, मुख्य सेविका हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जहां पे 0 नंबर वाले या 1 नंबर वाले बच्चे भी आगे के उसमें क्या हो गए हैं, प्रमोट हो गए हैं, या फिर बोल सकते हो कि वो फाइनली सेलेक्ट होकर भी बैठे हैं। बट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसका खंडन करता है, बोलता है कि 40% आपको निर्धारित है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनकी स्टेनो अच्छी होती है इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि स्टेनो सब लोग निकाल नहीं पाएंगे, 0% एरर अलाउ है तो कोई नहीं निकाल पाएगा, तो इससे क्या हो जाएगी, मेरिट बहुत कम जाएगी। रिटन पे ध्यान नहीं देना है, केवल आपको क्या करना है, आप अगर स्किल कर लोगे तो हो जाएगा। उनके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कोई भी पेपर उठा लो, चाहे आप PCS का पेपर उठा लोगे, चाहे आप RO का उठा लोगे, सब में 60-70% में कट ऑफ बनती है। और 60% के आसपास, 70 तो शायद बहुत ऊपर चली जाए कट ऑफ, तब 65-70 जाती है, वरना 55-60% के आसपास कट ऑफ रहती है। आप देखे होगे 150 पे PCS वगैरह में 90-91-88 क्वेश्चन पे बनता है परसेंटेज, आप निकाल सकते हो। ऐसे ही RO में 120-125-127 पे 200 नंबर में बनता है, मतलब 60% बिलो 60% पे क्या बन जाती है, मेरिट बन जाती है। और अगर पेपर का स्तर यहां पे भी अच्छा हो गया, 50 क्वेश्चन कंप्यूटर है, तो थोड़ा सा मुश्किल यहां पे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। 40% मिनिमम आपको सिक्योर करना पड़ेगा, भले ही कट ऑफ 55-60% पे बने, बट इस लापरवाही में मत रहिएगा कि स्टेनो की स्किल है, लोग फॉर्म कम पड़ेंगे तो आराम से हम कर लेंगे तो भी हो जाएगा, ये अगर इससे कम निकल गया तो आपका क्या हो जाएगा, आप परीक्षा से बाहर हो जाओगे। ऐसे ही जो जो बोल सकते हो कि रिजर्वेशन वाले हैं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को 35% लाना है, और सामान्य और EWS और OBC को कितना लाना है, 40% लाना है। तो उम्मीद है ये पॉइंट आप दिमाग में रख के अपनी तैयारी करोगे। इसके अतिरिक्त यदि आप तैयारी कर रहे हो तो परीक्षा प्लस इसका बहुत ही बेहतरीन कोर्स चला रहा है, दोनों आपके हाई डिमांड पे दोनों ही बैचेस लॉन्च कर दिए गए। एक फुल बैच है जिसमें 999 प्लस GST रखा गया है, इसमें लाइव क्लासेस प्लस उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे स्टडी मटेरियल, नोट्स, डाउट सेशन, वैलिडेटेड एग्जाम, साथ में हम आपको इसमें MCQ की PDF वगैरह और कुछ आपके क्विजेस अपलोड कर देंगे। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे सर कंप्यूटर हमें केवल पढ़ना है, बाकी हमने पढ़ रखा है, केवल कंप्यूटर का कर दीजिए। तो मिनिमम प्राइस पे 499 में केवल कंप्यूटर का आपका कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें वही कंप्यूटर है जो आपके फुल बैच में है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस केवल कंप्यूटर का आपको, ताकि एक्स्ट्रा बुक्स ना देना पड़े, एक्स्ट्रा पैसा ना देना पड़े, इस कारण से अलग किया गया। अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे, गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो, या हमारी वेबसाइट live.parikshaplus.org पे जाओगे तो यहां से भी आपका क्या हो जाएगा, यहां से भी आप कोर्स को बाय कर सकते हो और सारे कोर्सेस आपको यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि आप हमसे कोई भी जानकारी चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रश्न को पूछ सकते हो, हमारे नंबर चल रहे हैं इन पे कॉल कर सकते हो, और सबसे पहले काम तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके परीक्षा प्लस ऐप को डाउनलोड करना है। ये अभी वेबसाइट मेरे ख्याल से नेट का इशू है, तो यहाँ पे आप जाएंगे, हमारी वेबसाइट पे भी जाएंगे live.parikshaplus.org, तो वहाँ पे भी आपको ये दोनों के दोनों बैच मिल जाएंगे। कोर्सेस में अगर आप जाते हैं तो कोर्सेस में आप UPSC के कोर्स में जाएंगे तो आपको APS 2.0, हमारा 1.0 भी बैच था जो हमारा लगभग समाप्त हो चुका है, 2.0 चला दिए हैं, और APS कंप्यूटर स्पेशल, ये दो बैच से आप जुड़ सकते हो। इसकी प्राइस आपके दी हुई है, आप गूगल प्ले स्टोर से या live.parikshaplus.org से परचेज कर सकते हो। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। किसी भी समस्या के लिए अपन निजी सचिव बनने के सपने को लेके टीम परीक्षा प्लस आपके इस सपने को साकार करने के लिए दिन रात प्रतिबद्ध है। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।